वैशाली सराय थाना क्षेत्र के अररी गांव की करीना की हत्यारा कौन अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन रही नाकाम, हत्यारा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता के परिजनों में भय का माहौल व्याप्त है। पीड़िता की बहन डर से कॉलेज और कोचिंग संस्थान न जाने के बाद कहीं सिटी टीवी के पत्रकार वीरेंद्र सिंह के साथ परिजनों की खास बातचीत। सराय थाना है और यहाँ पर अरेरी गांव है, यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर एक मनोज सिंह की लड़की करीना, जिनका बिल्कुल निर्भया, यह जो दिल्ली की जो निर्भया थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर मर्डर हो गया है। और यह मर्डर, सबसे बड़ी बात है, देखिए, यह सुशासन की सरकार, यह नीतीश बाबू की जो सुशासन की सरकार है, इस सुशासन की सरकार में दिन दहाड़े सुबह सुबह फोन फटी ही थी, करीब करीब 7 या 8 बज रहे होंगे। उस समय एक बिहार की बेटी का मर्डर हो जाता है और यहाँ के जो शासन प्रशासन, उनको कुछ पता नहीं चलता है। बहुत ही दुख की बात है। जो कोचिंग के संचालक हैं, उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। इस तरह का जो रहस्यमय मर्डर, वास्तव में बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ की जो शासन है, प्रशासन है, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं, यह जो पीड़िता जो है करीना, करीना की मौसेरी बहन है ना, ममेरी बहन है, यह करीना की जो ममेरी बहन है यहाँ पर बैठी हुई है। और आइए मैं करीना से बात करना चाह, सॉरी, यह नाम क्या हुआ आपका? ज्ञानती। ज्ञानती से मैं बात करूँगा कि यह वास्तव में इस तरह की जो निर्भया जैसा, दिल्ली में जो निर्भया जैसा कांड हुआ था, मर्डर हुआ था, ठीक है ना, उस तरह से यह दोहराया जा रहा है, बार बार बर्दाश्त हो रही है। तो सबसे पहले आपको ज्ञानती जी, हमारा जो चैनल है, आपका स्वागत करता है कि इस चैनल में आकर के आप एक शेरणी की तरह हमारे समक्ष बैठी हुई है, कैमरा के समक्ष बैठी हुई है। और बहुत ही दुख की बात है कि आपकी जो बहन है, उनका रहस्यमय ढंग से मर्डर हुआ है। आप क्या? हम तो यही चाहेंगे कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी ये दरिंदा ये काम किया है, उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, और उसको जिस तरह मेरी बहन के साथ हुआ, उससे बढ़ के उसके साथ हो, और उसी को उसी टाइम सजा मिले। मतलब क्या चाहती है, क्या, किस तरह का सजा? उसके साथ फांसी, फांसी हो। अगर उसके साथ फांसी नहीं मिला तो वो जनता भी मारेगा उसको, उसके साथ फांसी नहीं हुआ तो उसको जनता भी मारेगा। ये मेरा निवेदन है। आप ये जो करीना जो पीड़िता है, उनसे आप बात करती थी? हाँ, मेरी बहन बात होती थी आपकी? हाँ, मेरी बहन है तो बात तो जरूर होती। कितने समय से बात होती थी? वो तो जब से बातचीत, मैं तो बचपन से ही बात होती थी। बचपन से। अच्छा, आपको मैं बहुत प्यारी लगती थी? बहुत प्यारी, इतनी प्यारी थी कि किसी के साथ वो बुरा, किसी के साथ वो बुरा नहीं करती थी। उस अगर उसको कोई, अगर कोई भी ऐसा काम अगर वो कर देना तो वो बिना नहीं रखती, इतनी अच्छी थी, किसी को रख कर जवाब देने वाली भी नहीं होती। वो बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि वो इतनी अच्छी थी ना कि हर एक का काम हो, चाहे किसी का कोई भी बात, अगर उसे, अगर कोई, अगर थोड़ा प्यार से अगर कुछ बोले भी तो उसे बुरा नहीं समझती थी वो, उसे भी हंस कर रह जाती थी, इतनी अच्छी थी। बहुत ही मिलनसार थी, बहुत मिला, सबसे मिल कर रहने वाली थी। वो किस क्लास में? वो इंटर क्लास में थी, और इस बार इसका फाइनल एग्जाम है तो दे नहीं सकती, अब तो जो देने वाली थी वो तो गुजर ही गई। और जहाँ उसका क्लास मिला है, बरामद हुआ है, उसके रोड के इस साइड में उसका पड़ता है कोचिंग, और उस साइड में बरामद हुई थी जो मिडिल स्कूल है। और मिडिल स्कूल है तो इधर वाला जो क्लास है उधर ना मिलकर, वो कचरा लगा हुआ क्लास, टूटा फूटा हुआ क्लास है, करकट का है क्लास, उसी में मिली थी। और उसमें खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं है, ये बताइए। उतना सुबह 6:30 में यहाँ से निकली, 7 बजे से उसका क्लास था, और वो कहीं कोई कोचिंग में ही नहीं पहुँची, वो डायरेक्ट 8:30 में कॉल आया और वहीं पे मिली क्लास। कोचिंग पैदल जाती नहीं, साइकिल से? हाँ, अभी तक साइकिल कहाँ? साइकिल तो जो थाना से मिला था, तो वो लोग प्रशासन जो है वो, मतलब वही लोग बोले कि साइकिल मिला तो ले आए। साइकिल नहीं मिला कहाँ? साइकिल कोचिंग के पास। कोचिंग से? कौन सा कोचिंग? राजू सर का कोचिंग। राजू सर का? राजू सर का सुबह वाला क्लास था। लेकिन मैंने राजू सर से बात किया तो वो बोले कि नहीं, कोचिंग तो हमारे कोचिंग के बाहर साइकिल तो नहीं मिला। नहीं मिला, वो तो प्रशासन।
प्रशासन ही देखे होंगे कि कहां प्रशासन ही ना जाने के कि कहां से वो लोग साइकिल देखे तो उन लोग को पता होगा ना कि कहां कहां से लेके अब हम लोग तो बस मतलब मेरी मामी जो है वो तो देखी और लेकर पहले तो उसको डॉक्टर के यहां गई कि कैसे भी वो ठीक हो जाए लेकिन वो ठीक कैसे हुआ उसका तो गर्दन ममोरा गया था तो उसका सीधा भी नहीं हो रहा था गर्दन ममोरा गया था हां नहीं सीधा हो रहा था सीधा नहीं हो रहा था यहाँ तक कि उसका मतलब माटी लगा हुआ था हाथ पे पैर पे पूरा माटी लगा हुआ था बाल पूरा एकदम बाल की तरह पूरा बिखरा हुआ बाल था और गर्दन सीधा नहीं लगा था बिल्कुल टेढ़ा था हाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़ा सीधा और बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस उसको अब इंसाफ मिले जो भी ये दरिंदा काम किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए अगर ऐसा नहीं हुआ बहुत मतलब अभी भी बहुत सारी लड़की है जो पढ़ाई करने जाती है उसके भी साथ गलत हो सकता है और उस दरिंदे का मन तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर एक के साथ ऐसा किया वो तो यही ना सोचेगा कि हम तो एक के साथ किए कुछ नहीं हुआ तो किसी और के भी साथ यही काम करते हैं तो बस हम यही चाहेंगे कि उसके साथ बस इंसाफ हो और उस दरिंदे को पकड़ा जाए मेरी बहन के साथ इंसाफ हो और उस मुझे भी डर है हर लड़की को डर है पढ़ने जाती है हम भी पढ़ने जाते हैं हर लड़की पढ़ने जाती है डर है एक के साथ अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हर लड़की को डर है पढ़ने जाने से किसी भी लड़की को डर है कोई नहीं जाएगा पढ़ने अगर ऐसा होते रहेगा तो कौन जाएगा पढ़ने बिहार की लड़की लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ेगी अगर ऐसा हुआ होते रहेगा तो ये जो अभी जो नीतीश सरकार है वे कहते हैं कि हमारे शासन में यह जो महिलाएं जो है बहुत सुरक्षित है कैसे सुरक्षित है देख रहे हैं ना सुरक्षित रहती तो ये दशा जो अभी देख रहे हैं इस तरह का आपको जो मिला है न्यूज अभी इस दुर्घटना जो हुआ है ऐसा तो नहीं ना होता अगर सुरक्षित रहता तो ये हमारी जो सरकार का नरेंद्र मोदी का है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का जो स्कीम चल रहा है अगर इस तरह से दुर्घटना होते रहा तो कैसे बेटी को बचाया जाएगा कैसे बेटी लोग बढ़ेगी बताइए आप कैसे बढ़ेगी बेटी नहीं ना बढ़ेगी हम लोग भी पढ़ रहे हैं अभी मेरा भी अभी बीए का बीए में हम पढ़ रहे हैं मेरा भी एग्जाम हुआ है फर्स्ट ईयर का तो ऐसा अगर स्थिति रहा तो हम भी पढ़ेंगे नहीं हम भी क्या कोई भी लड़की नहीं पढ़ेगी ना पढ़ने जाएगी ये तो सिर्फ कहने के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ लेकिन ये सब बकवास है ऐसा रहता तो बेटी के साथ ऐसा क्यों होता इस तरह की घटना से जो हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं बिल्कुल डरी हुई है हाँ बहुत डरे हुए हम भी डरे हुए मेरा भी पढ़ाई है कैसे पढ़ेंगे इस तरह से होगा तो कैसे हम पढ़ेंगे इंसाफ मिलना चाहिए तो आप पे इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो और आपकी जो बहन है उसको इंसाफ मिले हाँ इंसाफ हाँ। मिलना ही चाहिए इंसाफ मिले उस दरिंदे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ये सजा उसको मिलना चाहिए फांसी का सजा अगर फांसी का सजा नहीं मिला तो ये जनता उसको सजा देगा उसको मारेगा जानते जी आपकी बात को पूरा देश देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से तो आप एक मतलब छोटी सा की कांड का दोबारा पुनरावृत्ति न हो और आपकी सुन तो लीजिए और आपकी बहन को न्याय मिले इसके लिए आप सरकार से क्या सरकार को क्या कहना चाहते हैं हम तो यही सरकार से गुहार करेंगे कि मेरी बहन का इंसाफ मिला चाहिए उस दरिंदे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए जितना जल्दी हो सके इसके लिए टाइम नहीं लगाया जाएगा टाइम लगेगा तो एक अजीत के साथ हुआ है कल हजार लड़की के साथ हो सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो डैम के लिए है ये सब बकवास है अगर ऐसा रहता तो बेटी के साथ ऐसा नहीं होता ना मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं होता ना बिल्कुल नहीं होता ये सब बकवास है ऐसा रहता तो ये सब नहीं होता जो अभी देख ही रहे क्या हाल है क्या स्थिति है हम तो खुद डरे हुए कि कैसे पढ़ने जाएंगे एक के साथ ऐसा हुआ है हर एक के साथ ऐसा होगा हर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ कैसे पढ़ने जाएंगे मेरी बहन कैसे जाएगी बाकी लड़की लोग कैसे पढ़ेगी देखिए यह ज्ञानती का डर यह केवल ज्ञानती का ही डर नहीं है बल्कि हमारे बिहार ही नहीं हमारा जो पूरा देश है उस पूरे देश का डर है बिहार अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तभी तो मतलब अभी लाश मिला इस तरह बेटी का मेरी बहन हुई देश की बेटी हुई बिहार की बेटी हुई मेरी बहन हुई लाश मिला है पिछड़ा हुआ है तभी ना सिर्फ नाम के लिए एक पोस्टर बन जाता है लेकिन ऐसा काम नहीं होता है अगर काम होता तो मेरी बहन जो बिहार की बेटी है मेरी बहन है इसका इस तरह से इस स्थिति में नहीं ना मिलता
देखिए ये कह रही हैं कि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता, यहाँ का शासन प्रशासन बढ़िया होता, यहाँ का शासन प्रशासन बिहार का जो मुख्यमंत्री है ये लोग अगर सही रहते, सिर्फ नाम के लिए लिख देते पोस्ट बन जाता है, सब हो जाता है, लेकिन ये सब बकवास है, ये सब सिर्फ कहने के लिए कि ये सब है, लेकिन होता कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता तो मेरी बहन ऐसा अभी इस दुनिया छोड़कर नहीं जाती, मेरी बहन के साथ ऐसा दरिंदा नहीं कर पाता। तो देखिए यह लड़की का जो यह रुदन है, एक लड़की जो कि यह करीना जो पीड़िता है उसकी जो बहन है, यह कह रही है कि अगर समय पर शासन जो है यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है या यहाँ की जो कोचिंग संचालक हैं अगर समय पर कुछ कार्रवाई करते तो इस तरह की जो निर्भया जैसी जो वारदात है जो कि करीना के साथ हुआ है यह नहीं होता। यह लड़की बहुत ही डरी हुई है। देखिए कैमरा थोड़ा सा नज़दीक कीजिएगा, देखिए यह यांति का है, ये कह रही है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं वे डरी हुई हैं और इनको डर सता रहा है कि ऐसी स्थिति में यह भला कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे स्कूल कॉलेज जाएंगी, कैसे कोचिंग जाएंगी। तो हमारे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हमारी जो पढ़ने वाली लड़कियां जो हमारे देश का भविष्य है वह देश के लिए वो कुछ करना चाहती हैं, अगर वो पढ़ती हैं जा करके तो कम से कम वे सुरक्षित अपने कोचिंग में जाएं और पढ़े तो तभी हमारा देश का विकास होगा। कैमरामैन नितेश के साथ वीरेंद्र सिंह, सिटी टीवी 20।